अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 74। और आज के इस लेसन में हम एजेस के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे एक्सटेट एजेस के क्या क्या फंक्शन है, एम्प्रिंट का क्या फंक्शन है, कलर एजेस के क्या फंक्शन है और कॉपी एजेस के क्या फंक्शन है। और आज के इस लेसन में हम एजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि सॉलिड एडिटिंग पे यूज होते हैं जो कमांड, और ये भी सॉलिड जो काम हमने किया हुआ होता है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज की जाती है। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो इससे पहले वाले जितने कमांड्स हमने किए वो सारी की सारी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, जिसने हमने प्रीवियस लेसन में जो काम कमांड की थी स्लाइस कमांड हमने की थी, तो स्लाइस कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होती है, आपके ऑब्जेक्ट में बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इस कमांड को, स्लाइस कमांड को। और ये भी कमांड जो होती है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए यूज़ की जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये भी। ओके तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ ऑटोकैड को। ओके यूसीएस आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, तो उसके लिए यू सी एंटर करूँगा, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके यस, अब मैं इस पे काम करता हूँ थोड़ा। तो आज का जो लेसन है उस पे हमने काम करना था जी, एजेस के ऊपर काम करना था, और सबसे पहले जी एक्सट्रेट एजेस। तो इसका फंक्शन ये होता है कि मैं एक रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक्सट्रूड करता हूँ इस रेक्टेंगल को, ओके शेड देता हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो इसके जो एजेस हैं ये मेरे पास, ये जो सामने नजर आ रहे होंगे आपको, तो ये निकालना या इन पे काम करना या इनको निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ऑटोकैड में ये एक नई कमांड यूज हुई है एजेस के नाम से, जो कि आप इसके जो कॉर्नर हैं एजेस हैं वो आप बाहर निकाल सकते हो। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार सिंपल है, जो कि आपने सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, अपने एजेस कमांड को क्लिक करना है जो कि आपके पास सॉलिड एडिटिंग में है, और सॉलिड एडिटिंग में आपने यहाँ पे मोर वाले बट मोर के बटन पे आपने क्लिक करना है, और मोर डाउन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे एक्सट्रेक्ट एजेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, मैंने क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट पे, राइट क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है इसके एजेस अलग हो गए हैं। अब ये देखने के लिए आप मूव कमांड लें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आप मूव करके देखें तो आपके पास एडजस्ट यहां पे देखें अलग हो गए। इसी तरह अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये तो रेक्टेंगल है, तो कोई और ऑब्जेक्ट हो तो उस पर भी हम कोशिश करता हूँ मैं काम करने का कि उस पर भी काम हो। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, या फिर मैं इसी को एक कहीं में बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी को ड्रॉ किया, इसको स्मूथ करता हूँ ज्यादा। ओके अब इसके एडजस्ट देखें बहुत ज़्यादा हो गए बन गए, इनको भी अलग करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यही कमांड अप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये कमांड इस पर भी अप्लाई हो जाए। तो एक्सट्रेक्ट एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो आई थिंक इसके एडजस्ट एक्सट्रेक्ट हो गए। अब देखने के लिए मूव करता हूँ इसको। ओके देख सकते हैं आप, तो इसके भी एडजस्ट हमारे पास सामने आ गए, एक्सट्रेक्ट हो गए। तो ये जी कमांड होती है आपके जी आपके एड्रेस वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने की, जो कि बहुत जबरदस्त कमांड है। तो नेक्स्ट कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कमांड क्या होती है, उस पर क्या काम करते हैं और किस तरह उस पर काम होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं जी। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपके पास इम्प्रिंट का फंक्शन है। इम्प्रिंट का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है मैंने फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रूड करता हूँ इसको मैं, अब इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सी एंटर करता हूँ। अब ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये जिसके ऊपर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है,
पीछे इसको क्लिक करता हूँ, ये अलग से हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है मेरे पास, तो या ये सर्कल हो या इसके अलावा जो भी चीज़ हो, तो वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाए, एम्प्रिंट हो जाए। तो वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार, मैंने स्टार की शेप दी हुई है, मैं चाहता हूँ ये इसके ऊपर प्रिंट हो जाए, तो आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर स्टार बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो स्टार के लिए मैं पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, POL एंटर करता हूँ, नंबर ऑफ एच 5 देता हूँ इसको, मैं क्लिक करता हूँ, सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ, और ये क्या पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, और सेकंड पॉइंट, ट्रिम करता हूँ, TR डबल इंटर, कोशिश करता हूँ कि ट्रिम कमांड अप्लाई हो इस पे, सॉरी कंट्रोल जेड, ट्रिम कि ये नहीं हो रही, चलें कोई बात नहीं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके भी डिलीट कर देता हूँ। चलें ओके, तो आपके पास देखें यहाँ पे एक शेप बनी हुई आ गई है, मैं इंटर करता हूँ ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रिंट हो जाए, एम इंटर, मूव कर रहा हूँ इसको मैं, ये ट्रिम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये देखें अलग अलग से देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग से इस वजह से ये ट्रिम नहीं हो रही, अब ये ट्रिम होगी, ट्रिम TR डबल इंटर, क्या अब हो गया। और अब मैं इसके ऊपर देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, अब मैं इसको चाहता हूँ इसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हर एक अलग अलग से सिलेक्ट हो रहा है, ये मेरे पास एरिया जो ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है देख सकते हैं, तो ये प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट के लिए आप इम्प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2D वायर में लेके जाता हूँ, ओके हम इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट के लिए मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि प्रिंट करता हूँ, तो मैं इसके लिए क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इम्प्रिंट पे क्लिक करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, स्पेस, सॉरी दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इम्प्रिंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देखें सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्पैक्ट, तो इम्प्रिंट इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास इम्प्रिंट हो गया देख सकते हैं, देख सकते हैं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, देखें देख सकते हैं आप, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इम्प्रिंट हो गया ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, देखें अभी ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो रहा है, अब जब मैं इम्प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगा, और सिलेक्ट किया मैंने इसको, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो आप देखिएगा ये मेरे पास इम्प्रिंट हो गया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट अलग से सिलेक्ट नहीं हो रहा देख सकते हैं, तो ये इसके ऊपर प्रिंट हो गया ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो ये था जी इम्प्रिंट का फंक्शन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और नेक्स्ट जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड है आपके पास वह जी कलर एड्स, तो कलर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई एड जो उसको कलर देना है, तो उसके लिए आप कलर एड्स का फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
कलर एडिट पे क्लिक करता हूँ, मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैं कोई एड सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये वाला एड सेलेक्ट किया, पूरा एरिया भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला एड सेलेक्ट किया, मैं ये वाला एड सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला करता हूँ और ये वाला करता हूँ, बस सेलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ, कलर चूज करें आप, कलर पिक किया मैंने, ओके करता हूँ, तो आप देखिएगा अब एग्जिट के लिए स्पेस फिर स्पेस है, और आप जब इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो देखिएगा जब इसको सिलेक्ट करते हो तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, रेड कलर हो गया इसका, देख सकते हो कि जब इसके ऊपर मूव करेंगे अपने पॉइंटर तो ये आपको बता रहा है इसका कलर क्या है। उसके अलावा वायर फ्रेम में जाके देखता हूँ, वायर फ्रेम में आप देखें ज़रा, तो आपको यहाँ पे कलर इसका चेंज नज़र आ रहा होगा। तो ये था कलर एड्स, आपने एड्स का कलर कैसे चेंज करना है, तो ये उसके फंक्शन था। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपके पास शेड ऑफ ग्रे, मैंने कमांड ली, और नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपके पास यहाँ पे कॉपी एड्ज है, आप एड्ज को कॉपी भी कर सकते हो, सिलेक्ट करें, आप सिर्फ अपने एड्ज को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, मैं इसे एड्ज को क्लिक किया मैंने, स्पेस प्रेस करता हूँ, एड्ज को उठाता हूँ सेंटर पॉइंट से और मूव कर देता हूँ, देखें ये कॉपी हो गया। फिर मैं इस एड्ज को भी कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस एड्ज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ना भी करें तो डायरेक्ट मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, एड्ज को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, देख सकते हैं इस ऊपर वाले एड्ज को मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, और आप सिर्फ कह रहे हैं कितना आपने मूव करना है, तो सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर दे भी सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तो यूनिट सेट नहीं की हुई, मैं तो डेसीमल में काम करता हूँ, तो मैं इसको 20 पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो अब देखिए ये 20 पे हमारे पास मूव हो गया, तो मैंने यूनिट सेट नहीं की, मैं डेसीमल में काम करूँ। तो ये होता है जी कॉपी एड्स, कलर और इम्प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ नई कमांड्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।